जिस महफिल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा जिदो नामे नामी इसमें ग्रामी आ जाए तो साढ़े उत्ते लाजिम है कि असी खामोश ना रहिए बल्कि अपनी जुबान नू हरकत दईए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जात दे उत्ते दुरूद व सलाम दा नजराना भेजिए। यह लाजिम है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम ये है, फरमाया सब तो बुखील शख्स वो है, बुखील कंजूस वो है कि जिस दे सामने मेरा जिक्र होए वो मेरे उत्ते दुरूद ना भेजे। इस तो वड्डा बुखील कोई नहीं, कंजूस कोई नहीं। फिर वेखो कि जेड़े नबी ने सानू अपनी जिंदगी दे हर लम्हे याद रखिया, कदे अपनी उम्मत नू भुलाया नहीं, ना गारां विच भुलाया, ना यारां विच भुलाया, ना बाजारां विच भुलाया, किसे भी मकाम ते मेरे नबी गए अपनी उम्मत नू याद रखिया। जदों मेराज दी रात रब दे हुजूर गए ते उत्थे भी अपनी उम्मत नू याद रखिया। ते जेड़े नबी ने हर लम्हे सानू याद रखिया साडे जे गुनाहगारां नू, ते साडे उत्ते ते साह लैण तों वी ज़्यादा जरूरी है वे कि जदों आका करीम दा नाम आए ते असी खामोश ना रहिए बल्कि गज वज कह दईए सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। दुरूद पढ़न दे बड़े सारे फायदे, मुहद्दिसीन ने, उलमा ने बहुत सारी और बड़ी बड़ी जखीम कुतुब दुरूद दे फवायद दे उत्ते लिखिया ने। इस वास्ते खामोशी अख्तियार ना करया करो, बोलते रहा करो, अपने नामा आमाल दे अंदर दुरूद दे नजरानिया का सवाब भी जमा करके अज जाना है इंशाअल्लाह ताला। असी खाली नहीं जाना, प्रोग्राम को अगे बढ़ाते हैं। एक नन्ना जिहा तालिब इल्म हाफिज मुहम्मद रिहान बिन अब्दुस्तार गेगी, वो तुहाडे सामने एक कलाम नात शरीफ।